नमस्कार, मैं हूं गरिमा। स्वागत है आपका 9 भारत समाचार में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। मिर्जापुर प्रदेश में कानून व्यवस्था विफल होने और भ्रष्टाचार के खिलाफ राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर पूरे प्रदेश के मुख्यालयों पर किया गया प्रदर्शन। इसी के तहत मिर्जापुर में सपा कार्यकर्ताओं ने 25 सूत्रीय मांग को लेकर जिलाधिकारी के कार्य के पास सड़क के किनारे दिया धरना। वहीं सरकार पर लगाया गया भ्रष्टाचार का आरोप। 25 सूत्री मांगों को लेकर राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन भी सौंपा। बता दें कि सुरक्षा की दृष्टि से धरना प्रदर्शन करने तक जिलाधिकारी कार्यालय को PSC की एक छावनी में तब्दील कर दिया गया था। वहीं जिला अध्यक्ष आशीष यादव ने कहा कि आज क्रांति दिवस है, आज के ही दिन अंग्रेजी के खिलाफ भारत छोड़ आंदोलन का नारा लगाया गया था। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी के कहने पर आज भ्रष्ट सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया है और DM के माध्यम से 25 सूत्री मांग राज्यपाल महोदय को भेजा है। हमें उम्मीद है कि हमारी मांगों पर विचार करेंगे। अब ऐसी सरकार के रहने की जरूरत नहीं है, हम इस सरकार को बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। एक पैमाइश नहीं करा पा रहा जिलाधिकारी। मैं जिलाधिकारी को उनको एक आवाज दे रहा हूँ कि अपने में सुधार लाए। गांव का कोई भी काम करने नहीं दे रहे। जो भी लखनऊ से आदेश आ रहा है सारे कर्मचारियों को घेर करके बैठक दे रहा है। अब बताइए, जो गांव में कर्मचारी है गांव में जाकर समस्या हल करेगा? वहां फौजदारी हो रही है, वहां मार हो रही है, वहां खेती नपाई हो, परमिशन की जरूरत, पैमाइश की जरूरत है, लेकिन कोई जिले का काम किसी विभाग में नहीं किया जा रहा है। हर जगह अत्याचार, भ्रष्टाचार, एकदम अत्याचार और भ्रष्टाचार की बात हो रही है। बारे जनता, बारे मोदी, बारे योगी, बारे अखिलेश जी। अखिलेश जी को जनता याद करती है। उभा का कोई किसी से बाकी नहीं है। बोलो बोलो रोल जी, यहाँ प्रदर्शन करने आए हैं, किसको ज्ञापन सौंपा है, क्या मांगे हैं? आज दिवस है 9 अगस्त की तारीख, हिंदुस्तान के लिए बहुत महत्वपूर्ण तारीख है। 9 अगस्त 1942 को अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा लगा था, उसी कार्यक्रम के तहत अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर समाजवादी पार्टी के लोग पूरे उत्तर प्रदेश में ध्वस्त कानून व्यवस्था को लेकर, लूट, बलात्कार, अत्याचार, तमाम समस्याओं को लेकर आज समाजवादी पार्टी के लोगों को निर्देश दिया गया था कि वो जिला मुख्यालय पर शांतिपूर्वक तरीके से धरना देंगे। लेकिन आज सवेरे से जिला कलेक्ट्रेट को जिस तरीके से छावनी में तब्दील किया गया, पूरे जिला कलेक्ट्रेट को PSC से पाट दिया गया था, और जब हम समाजवादी लोग धरना करने के लिए निकले तो हमको जिलाधिकारी आवा गेट के अंदर नहीं जाने दिया गया। हम लोग यही सड़क पर बैठ के धरना दिए हैं। हमारी 25 सूत्री मांग है कि वो मां कांड के हत्यारों को फांसी दो, वहाँ के गरीब आदिवासियों को जो जमीन है उस जमीन को उनको राजस्व पर उनका नाम अंकित हो, उन्नाव कांड के हत्यारों को फांसी दो, उन्नाव कांड की घटना की न्यायिक जांच करा के उसको, उस दोषी को कड़ी से कड़ी कार्रवाई, जितना कड़ी कार्रवाई हो सके करे। फीस वृद्धि, जो फीस बढ़ी है हाई स्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षा की, उस बड़ी फीस वृद्धि को वापस लो। बिजली के बिल अब जो मूल्य बढ़ा है उसको वापस लो। तमाम मांगे, और जो लूट, अत्याचार, बलात्कार तमाम महिलाओं के साथ हो रहे हैं उस पर रोक लगाई जाए, ऐसी 25 सूत्री मांग लेकर आज हमने जिलाधिकारी के माध्यम से माननीय राज्यपाल महोदय के पास ज्ञापन भेजा है। और हमें उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी के इस ज्ञापन पर माननीय राज्यपाल महोदय, राष्ट्रपति महोदय विचार करेंगे, क्योंकि ऐसी अलोकतांत्रिक सरकार को अब उत्तर प्रदेश के अंदर 1 मिनट रहने का अधिकार नहीं है। इस सरकार को बर्खास्त करने की भी हम लोग मांग कर रहे हैं।